कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th मैथ का एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कर चुके हैं, आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बारी आ गई है। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 and 2, 7। मतलब क्या है इसका कि एक लाइन है, लाइन को हमने एक इक्वेशन से डिनोट कर रखा है 3x + y - 9 = 0 और वो किस दो पॉइंट्स को डिवाइड करती है, वो किस रेशो में डिवाइड करती है वो आपको बताना है। जैसे मान लो कोई एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ए बी मान लो एक लाइन है, और इसमें दो पॉइंट, इसके दोनों के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं और ए का भी कोऑर्डिनेट है, बी का भी है। उसके बाद बोला ये लाइन है ना, देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द सेगमेंट, इस खंड को किस हिस्सों में बांटती है ये लाइन। तो ये जो लाइन है किस हिस्सों में बांटती है, मान लो कहीं पे भी कोई बांटती है, कहीं पे भी कोई सी पॉइंट ले लिया हमने, ए बी तो था हमारे पास सी पॉइंट, इसको रेशो निकालना है तो के रेशो 1 मान लेंगे, ओके। और कई बार हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी दिया जा सकता है कि यहाँ पर रेशो गिवन होगा, ऑलरेडी रेशो गिवन होगा, इस इक्वेशन में यहाँ पे मान लो 3x + y - 9 की जगह के दे देगा, या कुछ और पी दे देगा, या कुछ भी दे देगा, वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कुछ भी क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन का मेथड यही होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब रेशो की बात करता है तो रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब सेक्शन फार्मूला कौन सा, तो x इक्वल टू देखो इसे m क्या बोलते हैं, m1 m2, इसे x1 x2, m1 m2 होता है ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ओके। तो उसके बाद फार्मूला जो हमें पता है, हम फार्मूला क्या लगाते हैं, m2 x1 + m1 x2 / m1 + m2। ये x के लिए ऐसे ही सेम y के लिए, y वाले में क्या हो जाएगा, बस x1 की जगह y1 और x2 की जगह y2 हो जाएगा, बाकी सारा सेम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या आने वाली है, सबसे पहले आप उसमें लेट वो लिख भी सकते हो स्टेटमेंट कि लेट सपोज द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 3 and 2, 7 इन द रेशो के रेशो 1, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ओके। ये अज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है आपको। तो वैल्यू क्या रखनी है आपको, देखो एक्स इक्वल टू m2 यानी क्या हो गया, ये 1, ओके, 1 × x1। आप इससे पहले भी लिख सकते हो, आप पहले ऐसे लिख सकते हो m1 पहले और फिर m1 x2 + m2 x1, जैसा मन करे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो m2 की वैल्यू तो ये हो गई 1, x1 हो गया आपका 1 प्लस m1 कितना है k और मल्टीप्लाई x2 कितना होगा ये 2, ओके, अपॉन में क्या m1 + m2 यानी k + 1। इसको सॉल्व करेंगे अब तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2k + 1, तो 2 + 2 2 सॉरी 1 होगा ना, मल्टीप्लाई 1 × 1 हो जाएगा और प्लस 2k अपॉन में k + 1, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी ध्यान से करना, जल्दबाजी में कई बार 1 बन जाए, ये मैंने इसे प्लस समझ लिया था और 2 कर दिया था, तो ऐसा आप मत करना। सेम ऐसे अगर y के लिए अगर आप करोगे y के लिए तो क्या हो जाएगा, m2, या मान लो जैसे मैं पहले m1 लिख दूँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, m1 लिखा तो y2 होता है, और m2 लिखोगे तो y1 होगा अपॉन में m1 + m2। यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट, तो y = m1 क्या है हमारे पास के, y2 7 है प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 अपॉन में m1 + m2 यानी k + 1। तो ये क्या कंडीशन आने वाली है, 7k और प्लस में 3 अपॉन में k + 1। y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू भी आ गई। अगर आप इसी में मान लो क्वेश्चन में ना यहाँ पे रेशो दिया होता तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती, बस इतना अंतर होता। अगर रेशो की वैल्यू गिवन जैसे 1:2 या 3:2 ऐसा कुछ भी, तो हम जब सॉल्व करते ना तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई वैल्यू निकल के आती, जैसे 3 हो सकता था, 4 या 5 कुछ भी। उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है ना इक्वेशन, इस कंडीशन में अप्लाई करना, तो क्या लिखना है, बट पॉइंट हमने क्या लिया, सी पॉइंट लिया ना, सी लाइज ऑन 3x + y - 9 = 0, ओके। अब देयरफॉर अभी जो कंडीशन हमारे पास, इसी कंडीशन में वैल्यू रखनी है, देखो क्या था, 3x ना, 3 दिख रहा होगा ना आपको, यस 3 और x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू है 2k + 1 या 1 + 2k, 1 + 2k और अपॉन में k + 1। फिर माइनस में प्लस में y है, तो y की वैल्यू कितनी है, 7k + 3 अपॉन में k + 1, देन -9 और = 0। अब आपको पता है इन सब का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आने वाला है,
इसके नीचे एक लगा लोगे या फिर इसको इक्वल के बाद ले जाइए जैसा मन करे आपका। इसके नीचे एक लगा के और सबका आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो सबका एलसीएम कितना आएगा, के प्लस वन, और ऊपर क्या आने वाला, इससे थ्री से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि के प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो वन आता है, और वन से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो थ्री, ये थ्री वन या थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स के, इससे भी डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, और वन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आने वाला है सेवन के प्लस थ्री, और वन से डिवाइड करेंगे तो के प्लस वन आएगा, तो नाइन माइनस के प्लस वन, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आ जाएगा, नाइन से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का नाइन के, और ये माइनस का नाइन, नाइन से के को भी मल्टीप्लाई किया, नाइन से वन को भी मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा और इक्वल में जीरो। ओके, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्यूशन करना है, वो कैसे करेंगे देखो, ये तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जीरो हो जाना इधर, ये सॉल्व कर लो, इसे कितना हो जाएगा 13 के, दोनों प्लस में, तो और 13 के में से 9 के घटाओगे तो कितना आने वाला है 4 के। ओके, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 6 हो गया, और माइनस का 9, अब 6 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल के बाद क्या हो गया जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के इक्वल टू ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा इधर, और लास्ट स्टेप में क्या आने वाला है k इक्वल टू 3/4, तो k की वैल्यू निकालनी थी और वो क्वेश्चन में आसानी से पूछा होता है किस रेशो में डिवाइड करता है, डिटरमाइन द रेशो, तो डिटरमाइन द रेशो के हमने वैल्यू क्या मानी थी, के रेशो वन लिया था ना, और हमारे पास वैल्यू कितना आई है 3/4, तो 3/4 का मतलब अब जब हम रेशो में लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है ना आपको, यस, तो अब देयरफॉर सिंबल डाल के और लिख सकते हो द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल टू 3/4। अभी 3/4 कैसे होगा तो मैं आपको साइड पे समझा देता हूँ। देखो 3/4 हमने के रेशो वन लिया हुआ था, के रेशो वन लिया हुआ था, ये दिख रहा है आपको के रेशो वन, के की वैल्यू कितनी आ गई 3/4 और इससे वन, तो जब ये मल्टीप्लाई हो तो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो 3/4 क्या बन जाएगा 4, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपको 3/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर, तो एक ट्राइंगल है उसके तीनों वर्टिसेज गिवन है और उसको सेंट्रोइड निकालने, तो सेंट्रोइड होता क्या है, तो ट्राइंगल्स की मीडियंस जो होती हैं, तो एक ट्राइंगल जैसे मीडियन ये हो गया, इस वर्टेक्स है यहाँ पे, बी वर्टेक्स है ये मीडियन, और सी वर्टेक्स है ये, यानी सामने वाले साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्शन, मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, दैट मीन्स एक्स और वाई, आपको मान लो एक्स और वाई, तो ये आपको फाइंड करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल, वो मैं आपको ऑलरेडी जो पार्ट 3 मैंने कर रखे, इसके 3 वीडियोज अपलोड कर रखी उसमें ऑलरेडी बता रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, वहाँ पे समझने के लिए x इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में 3। सेम ऐसे y के लिए भी होता है, y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में 3। अब इसमें मान लो कुछ भी पूछा जा सकता है, अभी आपसे सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पूछा है, हो सकता है एग्जाम में सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देगा आपसे, और किसी और पॉइंट का ए बी सी में से किसी भी, किसी का भी कोऑर्डिनेट पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको वो गिवन नहीं होगा, गिवन नहीं होगा, अननोन होगा, तो उस केस में भी फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। जैसे मान लो अभी हम एक्स और वाई निकालेंगे, यानी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, और अगर एग्जाम में सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो आप एक्स और वाई की जगह वो वैल्यू रख लेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू नहीं गिवन उसे आप वैसे छोड़ देंगे, बाकी बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो एक्स निकालना है हमें, तो एक्स इक्वल टू एक्स वन, ये पहली वैल्यू एक्स वन, एक्स टू और ये एक्स थ्री, तो जीरो, ये जीरो प्लस एट, और प्लस में फिर इधर भी एट अपॉन में कितना 3, तो ये हो जाएगा 16/3। ये तो x के लिए हो गया, और y के लिए जब सॉल्व करेंगे तो y1 कितना होगा 6 प्लस y2 कितना होगा 12 और y3 होगा 0 अपॉन में 3, दैट मीन्स ये कितना आएगा 18/3, तो सॉल्व करेंगे 6, तो यानी कि x और y जो है, यानी इसका जो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 16/3, 6, ये इसका हो गया आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, इसका और डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप उस वीडियोस को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी के अलावा आपको ये जरूर करने हैं। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, इफ एक्स माइनस टू वाई प्लस के इक्वल टू जीरो इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एक लाइन है, ये जो लाइन दे रखी लाइन के फॉर्म में, यही एक ट्राइंगल की मीडियन है, हुज वर्टिसेज आर एट पॉइंट्स ए बी सी, जो ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स दे रखे, तीनों वर्टिसेस उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो तीनों पॉइंट गिवन है ऑलरेडी, और आपसे मीडियन की बात कर रहे, तो मीडियन के केस में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मीडियन, तो सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, एक्स इक्वल टू
एक्स इक्वल टू, यही से हटाऊँ, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री। सेम ऐसे वाई के लिए क्या होता है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री। ओके उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रखनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के लिए जब हम करेंगे तो एक्स वन की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन, प्लस एक्स टू की वैल्यू जीरो है, और एक्स थ्री की वैल्यू माइनस फाइव अपॉन में थ्री। इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आने वाला है, माइनस वन जीरो तो कुछ भी नहीं, जीरो का आप हटा सकते हो, तो ये माइनस का फाइव अपॉन में थ्री, तो माइनस का सिक्स अपॉन थ्री। सॉल्व करने पे कितना आएगा, माइनस टू। सेम ऐसे आप वाई के लिए सॉल्व करेंगे, तो वाई के लिए करेंगे तो आप वाई के लिए क्या होगा, वाई वन की वैल्यू थ्री, वाई टू की वैल्यू फोर, और वाई थ्री की वैल्यू टू अपॉन में थ्री। सॉल्व होंगे कितना आएगा, सेवन और टू नाइन, नाइन बाई थ्री, दैट मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। इसको इसे डिवाइड कर देंगे तो वाई की वैल्यू थ्री। तो अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की जो भी वैल्यू थी वो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, कितना वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू माइनस टू और वाई की वैल्यू थ्री। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बोला हुआ है कि ये इसका मीडियन है, ये जो लाइन है ना उस ट्राइंगल का मीडियन है, तो अगर मीडियन है तो ये फिर आपका उसका सेंट्रोइड होगा, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, अब इस पर अप्लाई करना है। तो देयरफॉर का सिंबल डालना है आपको, और एक्स माइनस टू वाई प्लस के इक्वल टू जो जीरो था ना, इस पर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस टू, फिर माइनस टू, और वाई की वैल्यू कितनी, थ्री प्लस के इक्वल टू जीरो। तो ये माइनस का टू और ये कितना हो जाएगा, माइनस का सिक्स, तो माइनस का एट प्लस के इक्वल टू जीरो। तो प्लस माइनस का जो एट इक्वल के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो आंसर आ गया के की वैल्यू एट आ चुकी है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, बस आसानी से आप कर सकते हो, एक बार आइडिया लग जाता है ना तो फिर आप आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, ए की वैल्यू भी गिवन है एंड बी, ए और बी दोनों की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू है स्मॉल ए कॉमा जीरो और बी की वैल्यू है जीरो कॉमा स्मॉल बी, देन सो दैट या प्रूव दैट एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, क्या आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। इसने बोला है कि पी इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यानी कि एक लाइन है, कोई लाइन का नाम क्या है, उसमें ए बी और ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है ए कॉमा जीरो और इसकी वैल्यू है जीरो कॉमा बी। पी जो है कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, कोई भी पॉइंट है कहीं पे भी, मान लो पी, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तीन पॉइंट है एक ही लाइन पे और आपको ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, क्योंकि देखो एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट है तो ट्राइंगल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉलिनियर है, और कॉलिनियर का मतलब हो गया कि एक ही रेखा पर सनरेखी है, सनरेखी के केस में एरिया ट्राइंगल का पॉसिबल नहीं, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फॉर्मूला लगाएंगे, बट एरिया की वैल्यू क्या लेंगे हम, जीरो। नॉन कॉलिनियर है तब फिर वो ट्राइंगल, तब तो वो ट्राइंगल बन भी सकता है या कुछ भी और भी बन सकता है, बट कॉलिनियर है एक ही लाइन पर तो ट्राइंगल तो पॉसिबल ही नहीं, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू पढ़ा होगा ना, और मोड का सिंबल आप लगाते हैं, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं एक्स वन, अगर एक्स वन लिया है आपने तो उसके बाद ध्यान से समझना, देखो एक्स वन तो वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर प्लस, अब एक्स वन लिया था तो एक्स टू, एक्स टू से स्टार्ट किया तो टू के बाद क्या आता है थ्री, तो वाई थ्री, और थ्री के बाद क्या, फिर दोबारा पहुँच जाएंगे हम वाई वन पे, क्योंकि वन टू थ्री तीन नंबर से, तो उसी को आपस में साइकिल चलाना है, और एक्स थ्री, एक्स थ्री क्योंकि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो थ्री के बाद क्या आएगा वाई वन आएगा, और वन के बाद फिर क्या आएगा वाई टू आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, एरिया की वैल्यू तो हमें जीरो, क्योंकि एरिया ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो हम एरिया क्या लेंगे जीरो, वो आप लिख भी सकते हो, आप बता सकते हो, वन बाय टू एक्स वन, एक्स वन इसे ले लेते हैं, एक्स टू ले लेते हो और एक्स थ्री ले लेते हैं, तो एक्स वन की वैल्यू हमने क्या ले ली ए, ओके, फिर वाई टू एक्स वन वाई टू, तो वाई टू की वैल्यू वाई माइनस वाई थ्री, वाई थ्री की वैल्यू क्या बी, प्लस एक्स टू, एक्स टू के लिए हमने एक्स टू एक्स लिया है, वाई थ्री, वाई थ्री बी है हमारे पास, माइनस वाई वन, तो वाई वन कितना है जीरो, प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री जीरो है हमारे पास, वाई वन, तो वाई वन कितना है जीरो, ओके, और माइनस वाई टू, वाई टू कितना है वाई। अब इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से, ये इधर मल्टीप्लाई होता है तो जीरो हो जाएगा, तो इसको तो आप हटाई दो,
इधर हमारे पास क्या बचा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई, इससे करेंगे तो बी वाई, इससे करेंगे तो बी एक्स, और इससे करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसे मत लिखो, इसे करोगे तो ये भी जीरो, और इस वाले टर्म से करोगे तो पूरे टर्म जीरो हो जाएगा बस, यानी हमारे पास इतना इतनी सी टर्म बची है। ओके अब इसको क्या करना है, वो थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। देखो हमारे पास ये प्रूव करना है x अपॉन ए y अपॉन बी इक्वल टू वन। आप इसे चाहो तो थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हो, और नहीं अरेंज करना तो आप ऐसे भी रख सकते हो। अब इसके बाद देखो करना क्या है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे किया तो ए वाई, और इसे करेंगे तो ए बी आएगा ना, तो ए बी या फिर बी या कुछ भी लिख लो आप, बाकी नो प्रॉब्लम। ओके नहीं तो अभी तो गलत हो गया था क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना क्या है, या तो आप ऐसे रहें दो, ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, थोड़ा सा अरेंज करोगे तो कैसे, माइनस का ए बी इक्वल से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी, और ये हमारे पास बचा ए वाई प्लस में बी एक्स। यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रखी। इसके बाद देखो क्वेश्चन मैथ में क्या होता है, हमें कुछ भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप पूरे डिवाइड कर लेंगे सबको, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी। ए बी से डिवाइड करने का फायदा क्या होगा देखो, उसके लिए मैं बताता हूँ ए बी से, क्योंकि हमें यहाँ पे वन लाना है, और अगर मैं ए बी से सबको डिवाइड करूँगा तो ए बी से ए बी डिवाइड होगा तो इधर तो वन आ जाएगा, और बाकी भी कुछ ना कुछ बटे में ए और बी आता हुआ नज़र हमें आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए बी से सबको डिवाइड कर लेते हैं, तो ए बी अपॉन ए बी इक्वल टू ए वाई अपॉन ए बी, और प्लस में बाहर से थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं, संडे है ना, लगे पड़े सब, तो इससे इसको करेंगे तो वन, ए से ए डिवाइड कर देंगे और बी से बी डिवाइड कर, तो इधर वन, ये बचा आपका वाई अपॉन बी और प्लस में एक्स अपॉन ए, यही तो आंसर लाना था हमें। इसी को अगर आप इसे को और लिख कैसे लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और इक्वल टू में वन, जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना था, तो आंसर आ गया, होपफुली समझ में भी आ गया होगा क्लियर। ओके बस यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, जो मैंने ए बी लिखना था और ए वाई लिख दिया था, बी वाई लिख दिया था, इसका आप ध्यान रखना, और बस इस तरीके से करना है। तो होपफुली चार क्वेश्चन आपने सीखा और आपको मजा आया होगा और अब समझ में आ चुका होगा, अब आप आसानी से कर सकते हैं, ट्राई करना, और बाकी और भी जो चैप्टर के एक्स्ट्रा या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एनसीईआरटी के जो भी हैं, वो मैं धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले पहले आपको जितना पॉसिबल हो सके प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आप अपने टीचर्स की भी हेल्प लीजिए, अपने स्टूडेंट्स जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स, उन सबकी भी हेल्प ले सकते हो, और या किसी भी चैनल्स की हेल्प लेके तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।